शुरुआत से पहले एक बेहद जरूरी जानकारी, आज यानी 24 नवंबर दोपहर ठीक 2 बजे ललन टॉप ऐप पर रिलीज हो रहा है ललन टॉप अड्डा स्पेशल एपिसोड, जिसमें आपको दिखाई देंगे भुवन बाम। अड्डे पर उनसे क्या बातचीत हुई और हुई कितनी मस्ती, ये सब आप देख सकते हैं ललन टॉप ऐप पर। ध्यान दें, 24 नवंबर ठीक 2 बजे। इसके अलावा आने वाले दिनों में आपको जाकिर खान, अवध ओझा, शिवांकित से जुड़े एपिसोड्स भी देखने को मिलेंगे, इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए ललन टॉप ऐप। ललन टॉप ऐप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर मौजूद है। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। भारत में एक से एक बड़े राजा हुए और उन राजाओं के बीच कई भयंकर युद्ध हुए। अधिकतर यही होता था कि एक ताकतवर सेना कमजोर सेना को हरा देती थी, लेकिन गिनती के मामलों में ऐसा भी हुआ कि कमजोर सेना ने अपने से कहीं ताकतवर सेना को हरा दिया। ऐसा ही एक युद्ध हुआ था भारत के उत्तर पूर्वी राज्य आसाम में। 1830 से पहले आसाम में अहोम राजाओं का शासन हुआ करता था और अपने शासनकाल में उन्होंने कई युद्धों को लड़ा और जीता था। इनमें से एक युद्ध ऐसा था जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था, लेकिन एक नायक ने इस असंभव को संभव कर दिखाया और उसके नेतृत्व में अहोम सेना ने अपने से कहीं ताकतवर मुगल सेना को धूल चटा दी। इस नायक का नाम था लाचित बोरफुकन। तो कौन थे लाचित बोरफुकन, मुगलों से उनका युद्ध हुआ क्यों और कैसे उन्होंने अपने से कहीं ताकतवर मुगल सेना को परास्त किया, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य आसाम, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के किनारे बसा हुआ ये इलाका प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्राग ज्योतिषपुर के नाम से दर्ज है। 13वीं सदी में आसाम में अहोम राजाओं का शासन शुरू हुआ। उनका राज्य ब्रह्मपुत्र के किनारे 600 मील में फैला हुआ था, जिसके आसपास घने जंगल और ऊंची पहाड़ियां थीं। ब्रह्मपुत्र नदी इनके व्यापार का मुख्य रास्ता थी। आसाम का इलाका नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ था, इसलिए आसाम पर हमेशा युद्ध का खतरा मंडराता रहता था। इससे बचने के लिए उन्होंने ब्रह्मपुत्र के किनारे कई सारे किले बनाए हुए थे। 16वीं शताब्दी में जब मुगल ताकतवर हुए तो उन्होंने इस इलाके में अपना वर्चस्व बढ़ाने की सोची, लेकिन कई दशकों तक मुगलों और अहोमों के बीच कूच राज्य एक बफर की तरह काम करता रहा। हालांकि दोनों के बीच तनातनी बरकरार रही और 1615 में तनातनी दोनों को युद्ध के मैदान में खींच लाई। अगली आधी सदी तक मुगल और अहोम आपस में टकराते रहे। इन युद्धों में कभी अहोम 2 कदम आगे रहता तो कभी मुगल। 1661 में बंगाल के गवर्नर मीर जुमला ने आसाम पर हमला किया और गुवाहाटी समेत एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। अहोम इस हमले का जवाब देने में नाकाम रहे और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस हार से शर्मिंदा हुए अहोम राजा जयध्वज सिंह की कुछ ही सालों में मृत्यु हो गई। आखिरी वक्त में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिंह को बुलाया और कहा, हमारे देश के सीने में गड़े शर्मिंदगी के कांटे को तुम्हें निकालना होगा। राजा चक्रध्वज सिंह ने गद्दी संभालते ही अपने राज्य को बटोरना शुरू किया। मुगलों से निपटने के लिए उन्हें एक ताकतवर सेना की जरूरत थी। उन्होंने अहोम सेना में हर स्तर पर एक लीडर नियुक्त किया। 10 सैनिकों को लीड करने वाला डेका कहलाता था। इसी तरह 100 सैनिकों के लीडर को सैनिया, 1000 के लीडर को हजार का, 3000 के लीडर को राजखोवा और 6000 जवानों के लीडर को फुकन कहा जाता था। इन सबके ऊपर भी एक लीडर होता था जो बोरफुकन कहलाता था। राज्य चक्रध्वज ने लाचित को अपना बोरफुकन बनाया। लाचित की पैदाइश 24 नवंबर 1622 को हुई थी और उनसे पहले उनके पिता मोमई तामुली बरबरुआ भी अहोम राजा प्रताप सिंह के मुख्य सेनाध्यक्ष हुआ करते थे। बहरहाल बोरफुकन बनते ही लाचित ने अपनी सेना को मजबूत बनाने का काम शुरू किया। उन्हें पता था कि जंग के मैदान में वो सीधे मुगलों से नहीं टकरा सकते, इसलिए ब्रह्मपुत्र में लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी एक नेवी तैयार की। इसके अलावा उन्होंने तोपें तैयार की और अपनी सेना को शस्त्रों से लैस किया। 1667 में लाचित ने गुवाहाटी को मुक्त कराने के लिए अपने पहले अभियान की शुरुआत की। लाचित की नेवी काफी ताकतवर थी, लेकिन उनके पास घुड़सवार सैनिक नहीं थे। गुवाहाटी पर कब्जे के लिए इटाखुली के किले पर कब्जा जमाना जरूरी था, लेकिन घुड़सवारों के बिना किले पर हमला करना संभव नहीं था, इसलिए लाचित ने किले पर कब्जे के लिए एक दूसरी रणनीति बनाई। उन्होंने इस्माइल सिद्दीकी उर्फ
बाघ हजारिका के नेतृत्व में कुछ लोगों को रात में किले पर चढ़ाई के लिए भेजा। इन लोगों ने रात में किले की दीवारें फांदकर किले के मुहाने पर रखी तोपों में पानी भर दिया, जिससे तोपें खराब हो गईं। अगली सुबह अहोम सेना ने किले पर हमला किया और बिना तोपों के मुगल सेना किले की रक्षा करने में नाकाम रही। इस तरह लाचित ने गुवाहाटी को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। इधर जब मुगल बादशाह औरंगजेब को इस हार की खबर लगी, वो गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने आमेर के राजा राम सिंह के नेतृत्व में एक विशाल जंगी बेड़ा आसाम की ओर रवाना किया। इस बेड़े में 21 राजपूत सरदार, 30,000 पैदल सिपाही, 18,000 घुड़सवार, सैकड़ों तोपें और जंगी नावें शामिल थी। 1669 में मुगल सेना ने आसाम पहुंचकर गुवाहाटी के बाहर डेरा डाल दिया। लाचित को खुले मैदान में अपनी सेना की कमजोरियों का पता था, इसलिए उन्होंने गुवाहाटी के पास कामाख्या मंदिर तक मुगल सेना को आने दिया। ये इलाका दोनों तरफ पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा था। ये छापामार युद्ध के लिए एकदम मुफीद जगह थी। इससे आगे जाने का रास्ता सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी से होकर जाता था। लाचित ने सरायघाट नामक जगह पर अपना मोर्चा जमाया, क्योंकि यहाँ नदी सबसे संकरी थी, इसलिए मुगल जहाजों को यहाँ रोक कर रखना कमोबेश आसान था। मुगल सेना ने पहाड़ी रास्तों से गुवाहाटी में प्रवेश की खूब कोशिशें की और जब वो इसमें सफल नहीं हुए तो नदी में लड़ाई करने की ठानी। लाचित ने यहाँ छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। रात में उनकी सेना का एक दस्ता नदी के पार जाता और मुगल शिविर पर हमला कर देता। एक बार तो यूं हुआ कि अहोम सैनिक मुगल कमांडरों के कैंप तक पहुंच गए और उन्हें वहां से चांदी के थाल लेकर जाते हुए पकड़ा गया। राजा राम सिंह ने परेशान होकर लाचित को एक खत भेजा और छापामार युद्ध रोकने की गुजारिश की। इस पर लाचित ने जवाब दिया, ये याद रखा जाना चाहिए कि शेर रात में लड़ाई करते हैं। सरायघाट के पास मुगल सेना फंस चुकी थी। धीरे धीरे सैनिकों का मनोबल गिरता जा रहा था और अजीब अजीब अफवाहें मुगल कैंप में फैलने लगी थी। एक बार ये अफवाह फैली कि अहोमों के पास राक्षसों की शक्ति है जो रात को बढ़ जाती है, इसलिए वो रात को हमला करते हैं। लाचित ने जब ये सुना तो उन्होंने भूत के भेस में अपने सैनिक भेजने शुरू कर दिए। लाचित के इन तरीकों से आजिद आकर राम सिंह ने एक चाल चली। उन्होंने अहोम जासूसों को एक झूठा खत भेजा जिसमें लिखा था कि लाचित ने युद्ध न करने के 1,00,000 रुपए लिए हैं, इसलिए वो सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतर रहे हैं। ये चाल काम भी कर गई। जब ये खत अहोम राजा तक पहुंचा तो उन्हें भी लाचित पर शक हो गया। उन्होंने लाचित से युद्ध न करने का कारण पूछा। लाचित सीधे युद्ध के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने राजा से कुछ और वक्त मांगा, लेकिन राजा ने लाचित को जल्दबाजी में युद्ध का आदेश दे दिया। अगस्त 1669 में मुगल सेना और अहोम सेना के बीच अलाबोई में युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में जैसा लाचित ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। अहोम सेना युद्ध में हार गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। हालांकि गुवाहाटी अब भी मुगलों की पहुंच से दूर ही रहा। इस बीच अहोम राजा चक्रध्वज सिंह की मृत्यु हो गई और उदयादित्य नए राजा बने। मुगल कमांडर राम सिंह ने मौका देखकर नए राजा को संधि का प्रस्ताव भेजा। लाचित इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। उन्होंने राजा को सलाह दी कि मुगलों का कोई भरोसा नहीं है और वो आज नहीं तो कल दोबारा गुवाहाटी पर हमले की कोशिश करेंगे। इधर मुगल बादशाह और औरंगजेब ने भी संधि के प्रयासों को दरकिनार कर दिया और अपने नौसेना कमांडर मुनव्वर खान और शायस्ता खान से राम सिंह को एक संदेश भिजवाया। शायस्ता खान ने राम सिंह को लिखा कि वो अहोमों पर फतह हासिल करने आए हैं, ना कि दोस्ती करने। जब शांति के सारे रास्ते बंद हो गए तो राम सिंह ने आखिरी हमले के लिए मोर्चाबंदी शुरू कर दी। मुगलों ने अपनी नावों पर तोपें ला दी और अहोम सेना के बैरिकेड को तोड़ते हुए नदी में आगे की यात्रा शुरू कर दी। ये देखकर राजा उदयादित्य ने 20,000 अहोम सैनिकों को मुगलों का सामना करने भेजा। इस दौरान लाचित बोरफुकन बीमार थे, इसलिए युद्ध में नहीं जा पाए। लाचित की गैर मौजूदगी ने सेना का उत्साह ठंडा कर दिया और उन्हें युद्ध में हार मिलने लगी। लाचित ईटाखुली के किले में बिस्तर पर पड़े थे। युद्ध में अपनी सेना का हाल सुन उन्होंने अपने लिए 6 नावें मंगाई और उन्हें लेकर युद्ध में उतर गए। कहानी कहती है कि जब कुछ लोगों ने उन्हें बीमारी का वास्ता दिया तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, राजा ने इस देश के लोगों की जिम्मेदारी मुझे दी है, ऐसे में क्या मैं अपने बीवी बच्चों के पास चला जाऊं। लाचित के युद्ध में उतरने से सैनिकों में ऊर्जा का नया संचार हुआ और वो दोगुनी ताकत से लड़ने लगे। 6 नावों का बेड़ा लेकर लाचित ने नदी में बने एक त्रिभुज की बीचों बीच खुद को झोंक दिया। कामाख्या, ईटाखोली और अश्वकांता के बीचों बीच उन्होंने नावों को एक सीध में खड़ा किया और उनके सैनिक एक नाव से दूसरी नाव में कूदते हुए मुगलों पर हमला करने लगे। इसी दौरान अहोम सैनिकों की एक गोली मुगल एडमिरल मुनव्वर खान को लगी और वो वहीं पर ढेर हो गया। अहोम सेना को भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने 4,000 मुगल सैनिकों को मार गिराया। मुगल नावें आगे बढ़ने में नाकाम रहीं और सरायघाट का युद्ध अहोमों के लिए निर्णायक साबित हुआ। इस जीत के नायक रहे लाचित बोरफुकन ने
अप्रैल 1672 में अपनी अंतिम सांस ली। उनके सम्मान में राजा उदयादित्य ने जोरहाट में उनके नाम का एक स्मारक बनाया। सरायघाट की लड़ाई के 150 साल बाद तक अहोम राजाओं ने आसाम पर राज किया और 1826 में यहाँ ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। सरायघाट के युद्ध में मुगलों को हराने के चलते लासित बोरफुकन को आसाम के इतिहास का सबसे बड़ा युद्धनायक माना जाता है। हर साल उनके जन्मदिन 24 नवंबर को आसाम में लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है और नेशनल डिफेंस अकादमी में हर साल सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट को लाचित गोल्ड मेडल के सम्मान से नवाजा जाता है। ये प्रथा साल 1999 में सेना प्रमुख वीपी मलिक ने शुरू की थी। भारत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही और कहानियां आप तक हम लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप से। शुक्रिया।